दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहे हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास प्रयोग बताने वाला हूं। ये प्रयोग जो है आपके ऊपर यदि शनि की, राहु की, केतु की दशा चल रही है, या फिर आपके ऊपर पितरों का दोष है, या फिर आपका दुर्भाग्य चल रहा है आपका, तो ये सब दोस्तों इस प्रयोग से आपको 11 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों दुर्भाग्य एक ऐसी चीज होती है जो अगर जिंदगी में कभी आ जाए तो पीछा कभी छोड़ता ही नहीं है। मतलब कि हर काम में आपको जहां भी जाएंगे वहां पर बाधा ही उत्पन्न होगी, बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाएगा। राहु केतु की दशा जब चलती है तो ये सारे कार्य जो होते हैं, अगर आपका काम बनता बनता है जी, मतलब बनने वाला है, और वहीं पे आके कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, कोई बाधा आ जाएगी, तो ये प्रयोग से आपको क्या होगा, पितरों का आपको साथ मिलेगा, शनि की दशा शांत होगी, राहु केतु आपके अनुकूल हो जाएंगे, कोई भी कार्य आपका जो है बिल्कुल 100% बनेगा। आपकी कोई भी परेशानी है जिंदगी में वो परेशानी सॉल्व हो जाएगी, कोई मनोकामना है उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों दुर्भाग्य को दूर करने का इससे बड़ा अच्छा और कोई उपाय है ही नहीं। अगर इस प्रयोग को आप कर लेंगे तो आपका सबसे बड़ा चीज है, पितरों का अगर दोष होता है तो जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती है, बीमारी घर कर लेती है, पैसा नहीं बचता है घर में, बरकत नहीं रहती है, बिना वजह का पैसा खर्च होता है, कोई भी काम अटका है तो अटका रहता है, पूरा नहीं हो पाता है। और राहु केतु यदि जिसकी दशा चल जाए तो वो इतना भ्रमित करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, ये तक नहीं सोच पाते हैं। आपको अगर अपना अच्छा सोचना है तो आप अपना बुरा कर बैठते हैं। और राहु केतु की दशा की अनुकूल करना बहुत जरूरी होता है, ये चारों दिशाओं से संकट देते हैं, भ्रम में डाल देंगे आपको, अपना क्या सही है क्या गलत है आप खुद नहीं सोच पाएंगे, चारों तरफ से धोखे मिलेंगे, व्यापार में घाटा होगा, कोई भी काम करेंगे तो बनता बनता काम बिगड़ेगा। तो इस प्रयोग को दोस्तों मैं बता रहा हूं मेरे बताए तरीके से, अगर आपने 21 दिन इसको कंटिन्यू कर लिया, आप चाहे तो 21 दिन कर लेंगे, 21 दिन में तो आपका जो काम है बनने लगेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य पीछा ही छोड़ दे, सौभाग्य आपका साथ साथ आ जाए, तो इसको कंटिन्यू करते रहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 5 से 10 मिनट इस प्रयोग को करने में लगेंगे और जिंदगी में आपके चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको कोई बर्तन ले लेना है, याद रहे कि आपको प्लास्टिक वगैरह का बर्तन नहीं लेना है, मेटल का ही बर्तन होना चाहिए। मतलब कि आप तांबे का ले सकते हैं, कटोरा वगैरह ले लें, कटोरा ले लें, कटोरी ले लें, तांबे का, पीतल का, स्टील का, लोहे का, बस मेटल होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको आपको इसमें 1 चम्मच आपको चीनी डाल देनी है, शक्कर। रात में जब आप सोने जाने लगेंगे तो हाथ पैर धोकर के सोएं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर रात में सो रहे हैं तो हाथ पैर धोकर के बिस्तर को साफ करके सोया करें, क्योंकि अगर बिस्तर साफ नहीं करते हैं, बिस्तर को आप नहीं झाड़ते हैं, तो इससे भी क्या होता है, राहु केतु की दशा बिगड़ती है। तो बिस्तर को थोड़ा सा साफ करके और हाथ पैर धोकर के सोया करें। तो आपको क्या करना है, रात में सोते समय एक अगर आपके पास में बेड में सो रहे हैं तो अपने सिरहाने आपको उसमें 1 चम्मच आपको चीनी डालनी है और अपने सिरहाने रख लें। अगर तकिए के नीचे भी रख सकते हैं या अपने साइड में रख सकते हैं, बस सिरहाने में रखना है आपको। थोड़ा ध्यान दें कि वो गिरे ना यहां वहां, थोड़ा सा सिरहाने के पास में, सिर के पास में इसको रख करके आपको सो जाना है। कंटिन्यू करना है दोस्तों, 21 दिन तक आपको उस प्रयोग को कंटिन्यू करना है। अगर आप चाहते हैं इसका बेस्ट रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, तो कंटिन्यू अगर आपने 21 दिन इसको कर लिया तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे इसके उपाय, इसके लाभ देख करके। तो रात में आपने रख लिया अपने सिरहाने में चीनी, 1 चम्मच आपने डाल दी, उसके बाद में चीनी को देख करके प्रणाम कर लेंगे, ठीक है, अपनी परेशानी है, मनोकामना है वो बोल देंगे कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए या मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, ये बोल करके सिरहाने में रख करके सो जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके ऑरा की जो नेगेटिविटी होगी वो उसको ऑब्जर्व करती रहेगी रात भर, जो आपकी परेशानी है, जो ग्रहों की दशा है, पितृ का दोष है, जो भी है वो सब चीनी उसको ऑब्जर्व करती रहेगी, सोखती रहेगी रात भर। ध्यान रहे दोस्तों कि वो गिरे ना, ठीक है। अब सुबह में आपको क्या करना है, सुबह जैसी नींद खुलती है तो सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है। अब दोस्तों आपकी ये दो जो आकार जो बनती है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे हथेलियों को, तो इनमें दो चंद्र का आकार बन जाता है। ये जो आपकी दिख रही है दो लाइनें दिख रही हैं, ये इन दोनों लाइनों को आपको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो ये चंद्र के आकार की बन जाती है, ये लाइनें दोनों जो होती हैं ये चंद्र आकार की बन जाती हैं। तो इसको देखना है आपको और इनको प्रणाम करना है, ठीक है। प्रणाम करने के बाद में अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है वो दूर हो जाए, तो भगवान से, अपने इष्ट देवता से, अपने कुल देवता से, अपनी कुल देवी से और पितरों से विनती करें कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। साथ में शनि भगवान से, राहु केतु से विनती करें कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। और यदि कोई मनोकामना पूर्ति चाहते हैं
तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये आपको बोल देना है। अब बोलने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने शक्कर ली हुई थी, शक्कर को आपको देख करके हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और तुरंत आपको उठ करके उस शक्कर को लेकर के जाना है। अगर आपके घर में काली चींटियां हैं तो आप घर में ही इस प्रयोग को कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों कि काली चींटियों का बिल हो, चींटी इन चीजों को खाएं, है ना। तो घर में अगर चींटियां हैं तो घर में डाल सकते हैं, और घर में नहीं है अगर तो आप कहीं देख लें पहले, कोई स्थान देख लें पहले एक दिन पहले कि जहां पर चींटियों का बिल हो, है ना, तो वहां पर ले जाकर के इन चीनियों को आप वहां पर डाल दीजिए। और डालने के बाद में ओम शमशनेश्वराय नमः, ओम रम रावे नमः, ओम किम केतवे नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवभी नमः, और अपने इष्ट देवता जो भी आपकी इष्ट देवता है उनका छोटा सा मंत्र बोल दीजिए। एक एक बार बोलना है बस, मन में भी बोल सकते हैं, बोल के भी बोल सकते हैं, और अपनी परेशानी दूर हो जाए, अपनी मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये मन ही मन विचार रख के। दोस्तों कोई भी उपाय करते हैं तो अपने इंटेंशन, अपने विचार क्लियर रखा करें कि आप इस परेशानी के लिए, मुक्ति के लिए या इस मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तभी ये चीजें वर्क करती हैं। और पूरा विश्वास के साथ में करिए, ये आपको 21 दिन कंटिन्यू करना है। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जो भी काम आपके बिगड़ रहे थे, आपकी कोई परेशानी चल रही थी, या आपकी कोई भी ए टू जेड बड़ी से बड़ी परेशानी, बीमारी की परेशानी, नौकरी की संबंधित परेशानी, या फिर व्यापार की संबंधित परेशानी, एग्जाम की संबंधित परेशानी, जो भी परेशानी है, बस उस विचार को रख करके इस प्रयोग को करना शुरू कर दीजिए। बच्चों के लिए माता पिता कर सकते हैं, कि अगर बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं या बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है तो माता पिता उनके लिए कर सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते अगर मजबूत नहीं है, प्रेम संबंध मजबूत नहीं है, घर के सदस्यों में कलह रहता है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उस विचार करके, उस इंटेंशन को रखे कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। 21 दिन कंटिन्यू कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहें तो इस प्रयोग को आप और भी ज्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ाकर जीवन भर करते रहेंगे तो शनि महाराज की और राहु केतु की दशा हमेशा आपके अनुकूल रहेगी, कोई परेशानी कभी नहीं आएगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों चींटियों का प्रयोग ऐसा होता है कि अगर जिसने भी कर लिया तो जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, और ये प्रयोग बहुत ही पावरफुल है। आप करके देखिए एक बार इसको, 21 दिन कर लिया आपने तो कर लिया, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि आप उसको जिंदगी भर करते रहिए, अपनी लाइफ में हैबिट बना लीजिए कि मेरे को उस प्रयोग को करना है और करना है और करते ही रहना है। जो भी परेशानी आएंगी, कर्ज की समस्या है, धन की समस्या है, नौकरी की समस्या है, व्यवसाय की समस्या है, कोई भी समस्या आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। चारों तरफ से उन्नति होगी, चारों तरफ से विकास होगा आपका। दोस्तों कोई भी परेशानी आती है तो जिंदगी में छोटे छोटे से प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या है कि ग्रहों की जो अनुकूल दशा रहती है, प्रतिकूल दशा रहती है, वो अनुकूल शुरू हो जाती है। और हमारी जिंदगी में पितरों का अगर दोष है, पितृ दोष लग रहा है, तो पितृ भी आशीर्वाद नहीं देते हैं, पितृ दोष से भी जिंदगी में परेशानी आती है। अब आप लोगों ने अगर कुंडली नहीं दिखवाई है और कुंडली के हिसाब से कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रयोग ऐसा है जो हर कोई कर सकता है और हर ग्रहों के लिए है। ये चींटियों को दाना चुनाना, या फिर आप एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं, ये तो आप सुबह में कर लेंगे, दूसरा प्रयोग आप ये भी कर सकते हैं कि आपको मंजीरी जो होती है, आटे का जो चूर्ण होता है, गेहूं का चूर्ण आटा, उसमें पिसी हुई शक्कर मिला करके अगर आप चींटियों को चुनाते हैं तो इससे भी राहु केतु की और शनि की दशा शांत होती है। ये आपको सुबह में नहीं करना है, इसको जब भी टाइम मिलता है तब कर सकते हैं। और इस प्रयोग को यदि आप पीपल वृक्ष में करते हैं, ये पीपल वृक्ष में अगर कहीं चींटियां हैं तो ये और भी ज्यादा लाभ देता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।